इलेक्शन लड़ना चाहते हो और क्या आपने कंपेन भी आप किसी को नहीं कहते कि मुझे वोट दे दे, किस तरह आप जीतेंगे? मैं तो ये तो बगैर आला कामर से कुछ नहीं होएगा। अगर किसी को किसी एमपीए या एमपीए नहीं आएगी तो फिर आला कार्डर होएगी। तो ये लोग जो मैं जो कंपेन चला रहा है तो ये लोग सब जो है ये डॉलर का मोहब्बत वाला है। कंपेन चलाना डॉलर का मोहब्बत वाला काम है। हम हमारे पास तो डॉलर का मोहब्बत नहीं है, हमारे पास ये बंदों का मोहब्बत है और हमारे पास पाकिस्तान का मोहब्बत है। ये किस्मत का बात है, सितारे का बात है। चलाने से क्या जरूरत है, लोग कोई भी तंग करता है और लोग के साथ भी झूठ बोलता है तो लोग को बोलता है मैं प्लाना करेंगे आपको वोट दिया। अच्छा ये बताइए पाकिस्तान का मसला आप कैसे हल करेंगे? पाकिस्तान का मसला आसान भी है और आसमान और जमीन तक लंबा चौड़ा भी है। अच्छा हाँ, और अगर लोग सच्चाई से हो जाए तो आसान तरीका है। अगर लोग पाकिस्तान के साथ गद्दारी करता है तो फिर जमीन से आसमान तक लंबा होता है। तो हमारा सारा आवाम से पाकिस्तान। अच्छा आप महमूद खान चकजई के मुकाबले में इलेक्शन लड़ रहे हो, हाँ तो किस तरह आप जीतेंगे? वो तो काफी पावर में। वो तो पावर में है लेकिन पावर और भी है, असल पावर अल्लाह के पास है। तो अभी महमूद खान के पास कोई भी नहीं जाता है हमारे वोट तुम्हारे। तो अभी देखो चमन के हालात में जिधर में जा रहा है लोग बोलते हैं मुबारक, लोग बोलते हैं हमारा वोट तुम्हारे। जलंधर साहब चमन की मीडिया के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? क्या महमूद खान चकजई खुशकस्मत देंगे, दे सकते हैं? तो बहुत बहुत जो जो मैं सर्वे किया हुआ 80-90% उम्मीद है। हाँ महमूद खान भी गिर जाएंगे और जो भी हो कौमी असम्बली वाला वो गिर जाएंगे। जलंधर साहब मीडिया की कवरेज से आप मुतमैन हैं? मीडिया से मैं आज इतना मुतमैन है से बच्चों भाई यानी नज़दीक साथी से भी ज़्यादा मुतमैन नहीं है जो आज मैं मीडिया वाला से मुतमैन हुआ।